ऑयल लीक हो गया, खत्म हो गया आपका ऑयल? बिल्कुल जीरो। कहाँ टूटा चैम्बर आपका? यही टूटा आके ऊपर ऊपर वाली साइड। पहले थोड़ा थोड़ा वहां से हल्का हल्का टूटता है, यहाँ पे एकदम आगे टूट गया। फोन नेटवर्क आ रहे हैं? नो, कोई नेटवर्क नहीं है, कोई। और सुबह से भूखे प्यासे बैठे हैं जी, कोई लिफ्ट नहीं दे रहा। एक गाड़ी वाले ने बेवकूफ बनाया हमें। आगे भी बहुत ज्यादा ना रोड खराब है, बट निकाल रहे हैं किसी तरीके से। गाड़ी भाई नीचे से लग रही है, आप नीचे से गाड़ी लगने को नहीं रोक सकते हो, चाहे जो मर्जी कर लो, गाड़ी नीचे से लग रही है। हाँ, कम से कम लगे और ऐसी जगह पे ना लगे जहाँ पे यू नो ऑयल का गास्केट है, चैम्बर है और फिल्टर्स है, ऐसी जगह पे ना लगे, बस ये ख्याल रखो। मैं भी उसी एंगल पे लेके जा रहा हूँ गाड़ी को जहाँ पे मुझे पता लगेगी, बट ठीक है साइड की से लग जाए पीछे से लग जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मेन जगह पे ना लगे। मेन जगह पे अगर लग गई तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। बाकी रोड्स बहुत ही चैलेंजिंग है भाई, बहुत ही चैलेंजिंग है। और जैसे कि मैंने आपको बताया, जब मैं स्पीति ट्रिप कर रहा था वहाँ पे मुझे किसी लोकल ने कहा था, आप जितना डरोगे जितना धीरे धीरे चलाओगे ना उतना ही आपकी गाड़ी लगेगी। मैं डर नहीं रहा हूँ, मैं खींच रहा हूँ द सेंस ऐसा नहीं है कि बहुत तेज चला रहा हूँ, बट ये कि मोमेंटम बना के चल रहा हूँ। अगर जो नीचे पत्थर आ रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप लग जाए पत्थर आसपास लग जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मैं मोमेंटम बना के नहीं चलूँगा तो मैं फंस जाऊँगा और फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी भाई। असली टेस्ट होता है ना जो गाड़ियों का, कसम से ऐसी जगहों पे टेस्ट होता है भाई। क्या शॉकर्स का पूरा प्रॉपर तरीके से टेस्ट हो रहा है। काफी सारी रिवर क्रॉसिंग पड़ रही हैं बीच में, काफी सारी 2-3 रिवर क्रॉसिंग पड़ चुकी हैं, बट डूएबल है। अब गोंगो रंजन की ओर निकल चुके हैं, जो कि संस्कार वैली में पड़ता है। अब देखते हैं, हालांकि वो ज़्यादा दूर नहीं है, कह रहे हैं कि 1-1.5 घंटे का ही रास्ता है। उसके बाद वहाँ कैंपिंग करने का प्लान है। 2:10 है तो मैं अप्रॉक्सीमेटली एस्टिमेट लेके चल रहा हूँ कि 4 बजे तक हम वहाँ पे पहुँच जाएंगे और उसके बाद टेंट वगैरह सेटअप करेंगे। वहाँ का प्लान है, उसके आगे जाने का प्लान नहीं है, क्योंकि उसके आगे जो हमने जाना है ना वो जाना है पदुम। पदुम बहुत दूर है, पदुम में 7-8 घंटे लग जाएंगे अगर हम अभी से जर्नी कंटिन्यू कर रखेंगे ना। रात हो जाएगी और रात को मैं ड्राइव नहीं करना चाहता हूँ ऐसे टेरेंस में, क्योंकि फंस सकते हैं, बहुत बुरा फंस सकते हैं। इसलिए हम गोंगो रंजन के पास ही कैंपिंग करने का प्लान कर रहे हैं। हाँ, हालांकि अभी मुझे रास्ता नहीं पता है, बट मैं पूछ के जा रहा हूँ, तो हाँ आई होप पहुँच जाऊँगा। भाई देख, आराम से ढीले पत्थर है भाई, आराम से देख के भाई वो तो ये अब तो नीचे ही जा रहा है पूरा, है ना? अब ढलान स्टार्ट हो गई है, ढलान स्टार्ट तो हो गई है, बट पता है क्या प्रॉब्लम है? ढलान स्टार्ट में ना ओ भाई मुड़ेगी कैसे, बैक करनी पड़ेगी। पीछे बाइकर्स वगैरह सब आ रहे हैं। साइड देने को कह रहा है, कैसे साइड दूं मैं इसको यहाँ पे? चल जा भाई, वहाँ देख वहाँ पे कितना तेज न सेन मोमेंटम खुद पकड़ रही है और लग रहे हैं पत्थर गाड़ी में नीचे बहुत तेज।
साइड दे देते हैं इनको। भाई बर्फ की ना चादर ढकी हुई है, प्रॉपर प्रॉपर बर्फ की चादर ढकी हुई है पहाड़ों पे। रास्ता इतना टफ हो रहा है, इतना टफ हो रहा है यार। गाड़ी नीचे से बहुत लग रही है और ओ मैन, गाड़ी कहां कहां से लग रही है। अब तो ऐसी कोई जगह नहीं जैसे गाड़ी लग नहीं रही है। और वाटर क्रॉसिंग बहुत ही भयंकर होते जा रहे हैं। जरा जरा सा नर्वस फील कर रहा हूँ मैं, क्योंकि गाड़ी नीचे से ना हर एंगल से लग रही है, ऐसा नहीं कि खाल्डों से लग रही है, क्योंकि वी डोंट हैव एनी चॉइस यार। पत्थर इतने हैं, वाटर क्रॉसिंग्स हैं, सब कुछ है। ये देखो कहाँ कहाँ आप गाड़ी बचाओगे, कहाँ कहाँ गाड़ी बचाओगे यार। बस निकल जाए इस रास्ते से। साफ आया। हमारी भी ऐसी वाली गाड़ी है ना, पत्थर लग गया नीचे, चैम्बर टूट गया। चैम्बर टूट गया आपका? ओ मैं, चैम्बर टूट जाए ना ये बहुत बड़ी दिक्कत है। ऑयल चैम्बर टूट गया? ऑयल चैम्बर। ऑयल है आपके पास? नहीं है, एमसील है। एमसील नहीं है आपके? ऑयल ना, ऑयल है ये लाना चाहिए। आप कहाँ से आ रहे हो? हम पदम से आए हैं ना, NHIDCL के। एक सेकंड, देखा जो मैं आपको बोल रहा था ऐसा होता है। ऑयल लीक हो गया, खत्म हो गया आपका ऑयल? बिल्कुल जीरो। कहाँ टूटा चैम्बर आपका? यही टूटा आपके ऊपर, ऊपर वाली साइड। पहले थोड़ा थोड़ा वहां से हल्का हल्का टूटता है, यहाँ पे एकदम आगे टूट गया। फोन नेटवर्क आ रहे हैं? नो, कोई नेटवर्क नहीं है। कोई और सुबह से भूखे प्यासे बैठे हैं जी, कोई लिफ्ट नहीं दे रहा। एक गाड़ी वाले ने बेवकूफ बनाया हमें, हमने बोला था मनाली छोड़ दो हमें, तो पहले बैठा लिया वहां पे, बोलता है पीछे गाड़ियां आ रही है उसमें लोड करके ले आना। तो हमने बस सोचा चल ठीक बोल रहा होगा, सियाणा बुढ़ा आदमी है वो, बेवकूफ बना के चला गया। ना खाया ना पिया, सुबह से बैठे हैं प्यासे। बताइए यार, नेटवर्क तो आ रहे हैं? नेटवर्क जो ही देख रहा हूँ मेरा। नहीं, बीआरओ वाले ना काफ़ी हेल्प कर देते, अगर आप बीआरओ वालों को पता चल जाए ना फंसे हुए हो नेटवर्क। कहाँ भाई, कहाँ मिलेंगे जी, हमें पता नहीं ना बीआरओ वाले। यहाँ पे तो यही दिख रहे हैं बस। नहीं नहीं, न्यूज चैनल नहीं, मेरा यूट्यूब चैनल है। कैंपर वालों का आपने नंबर ले लिया जो आप दोबारा वापस घूम के आएंगे? नंबर लेके क्या करेंगे सर? नंबर सर आप नंबर फिर भी ले लेते, मतलब आप अपना नंबर दे देते। नेटवर्क की वजह से नहीं लिया जी। अच्छा, अभी आपके पास खाने को कुछ है? कुछ नहीं है, मैं आपको कुछ दे देता हूँ, ताकि कम से कम जो हेल्प हम आपकी कर सकते हैं वो तो करें। हाँ, ये चने का पैकेट लो आप, हम तो चलो आगे से ले लेंगे, आप एक चने का पैकेट लो। और ये आप कोल्ड ड्रिंक भी ले लो, लिमका है। थैंक यू साहब। ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। और वैभव हम क्या दे सकते हैं? और क्या,
ओके सर इतना ही बहुत है जी, आपने रुक के हमारा जो दिल की बात सुनी सर, ये दे दिया। अरे नहीं नहीं सर, इंसान ही इंसान इंसान की मदद करता है, क्योंकि मेरी भी मदद बहुत करी है जब मैं स्पीति गया था लोगों ने। ठीक है, तो जिप्सा विलेज पड़े ना वहाँ से हो जाए। हाँ, जिस्पा विलेज से आपको आगे जी किलोंग से तो बहुत आगे जिस्पा, पहले किलोंग पड़ेगा उसके बाद जिस्पा आएगा। जिस्पा में आपको मिलेंगे मैकेनिक वगैरह ना। हाँ ठीक है, इसका सर बिल्कुल लिंक कैसे आएगा? नहीं नहीं, इसका आप YouTube पे जाओगे, YouTube पे सर्च करोगे रैम्बलिंग डेज कैंपर ने बोला है तो जरूर आएगा। बट फिर भी ना, अगर और कोई भी कैंपर जा रहा होगा ना, उससे भी बात कर लेना, या बाइकर कोई जा रहा हो आप एक बार जरूर उनसे बोलो, क्योंकि यहाँ पे बैठे रहना भी बहुत मुश्किल है। मुश्किल है सर, सुबह से बैठे हैं जी, ना कुछ खाया ना पिया, ठंड। सही बात। अभी एक बंदे को भेजा हमने वहाँ पे। ठीक है, ठीक है सर जी। हाँ, बहुत अच्छा लगा आपसे, जितनी मदद कर सकते थे सर जी आपकी कर दी हमने। हाँ ठीक है, मिलते हैं आपसे। ओके ओके जी, बाय बाय, टेक केयर। ओके जी, बाय बाय। यार ये फंस गए थे, चैम्बर टूट गया था इनका। वो ही कह रहा हूँ मैं, गाड़ी ना बहुत नीचे से लग रही है यार। चैम्बर मेरा स्पीति वैली में चैम्बर टूट गया था, ये गियर बॉक्स का चैम्बर टूट गया था, गियर नहीं लग रहे थे और मैं फंस गया था। तो मैं रिलेट कर पा रहा हूँ, और बेचारे कह रहे हैं कि सुबह से खाया पिया नहीं हुआ, जितना मेरे से हो सकता था यार मैंने कर दिया। हमारे पास भी वही मंचिंग का सामान था वैभव, हमारे पास कुछ नहीं है, कुछ नहीं है खाने के लिए। कोई नहीं यार, वो ज़्यादा वो तो ज़रूरी है, हम तो फिर भी गाड़ी पे हैं, हम आगे चले जाएंगे। मैं तैसे वही तो पूछा था, और कुछ आता वो भी दे दो उनको, हम तो आगे जाके फिर भी ले लेंगे यार, हम कोई प्रॉब्लम नहीं है, एडजस्ट हो जाएगा। हाँ चलो जी, आगे चलते हैं, और फिंगर क्रॉस्ड है हमारी गाड़ी में कोई प्रॉब्लम ना है, कोई चैम्बर ना टूटे। आप चैम्बर तो बोलना भी नहीं चाहिए, ऐसा तो कुछ ना हो। ऑल राइट, एक बहुत ही तगड़ी वाटर क्रॉसिंग आ गई है, ये गाड़ी मैंने वहाँ पे खड़ी कर दी है, और ये वाटर क्रॉसिंग देखो भाई, बहुत ही डेंजरस है यार। अब मैं इसको पार करने वाला हूँ, आई होप गाड़ी फंस ना जाए बीच में, नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। वैभव को मैंने वहाँ भेज दिया है, ताकि थोड़ा सा गाड़ी का ना वेट कम हो जाए और उठ जाए गाड़ी। पानी का बहाव देखो कितना तेज़ है, कितना तेज़ है पानी का बहाव, और पत्थर इतने बड़े बड़े हैं ना कि गाड़ी के नीचे लगते ही ना गाड़ी का चैम्बर टूट जाएगा। बट मेरे पास ना और कोई ऑप्शन नहीं है, अगर मैं नहीं करूँगा तो मुझे यहीं रुकना पड़ेगा, और कोई ऑप्शन नहीं है मेरे पास, तो तेतेज लेके जाऊँगा गाड़ी, एंड आई होप कुछ ना हो। इस साइड कॉन्गो रंजन है, बट अभी मैं आपको वो उसका व्यू दिखाऊंगा नहीं, क्योंकि उसका व्यू असली आगे जाके आएगा। ये अभी हम बैक साइड में हैं, जहाँ पे हमने कैंपिंग करनी है वहाँ पे आएगा, वहाँ से आपको व्यू दिखाऊंगा, बहुत ही ऑसम व्यू है। बाकी ये रोड दिखाता हूँ मैं आपको, रोड इतनी कच्ची रोड है ना, मतलब ये तो एक बस वे है, दैट्स इट, रोड वोड तो कोई नहीं है, और साथ से ना संस्कार रिवर है वो फ्लो कर रही है। अब हम धीरे धीरे फर्स्ट गियर सेकेंड गियर पर चल रहे हैं, और अपनी कैंपिंग लोकेशन पे जा रहे हैं, जहाँ पे हमने कैंपिंग करनी है। हमें फाइनली कॉम्बो क्रोंजन मिल गया है, ये देखो भाई साहब क्या मैसिव, इतना मैसिव पहाड़ है ये, और ये कॉम्बो क्रोंजन, अगर मैं सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ तो उसको कहते हैं। ज़्यादातर लोग यहाँ पे कैंपिंग करते हैं, यहाँ से अभी वाटर क्रॉसिंग से हमने गाड़ी निकाली है, ये कॉम्बो क्रोंजन है, लोग खड़े हुए हैं यहाँ पर।
ये व्यू है आसपास के। बट प्रॉब्लम ये है कि जहाँ पे मैंने सोचा था कैंपिंग करने का वो लोकेशन मुझे अभी तक मिली नहीं है। मैंने शायद हम इसके बैक साइड में है, मैंने शायद इसे फ्रंट साइड सोचा था कैंपिंग करने का। बट आई एम नॉट श्योर कि वो आगे वो जगह मुझे मिलेगी या नहीं मिलेगी। यहाँ पे नहीं करूँगा मैं कैंपिंग, यहाँ पे थोड़ा सा मुझे सही नहीं लग रहा है। आगे जाके देखता हूँ कैंपिंग कहाँ पे हम कर सकते हैं। बट यार ये पहाड़ देखना, एक बहुत ही अलग पहाड़ है, कितना बड़ा लग रहा है ना। मतलब आपको शायद फ़ोटो में देखने में ना इतना बड़ा लग नहीं रहा होगा, बहुत बहुत बड़ा है। और ऐसे खड़ा हुआ है ना तो मतलब एक अलग ही लुक दे रहा है ये पहाड़। और पहाड़ जैसे देखो ये है नॉर्मल लग रहे हैं, बट ये एक अलग ही है। और पीछे से देखो सनलाइट भी पड़ रही है ना, जैसे फ्लैशलाइट कहते हैं ना कि किसी को यू नो हाईलाइट करने के लिए फ्लैशलाइट मारते हैं जैसे हम, वैसे ही इस पर एक लाइट, एक अलग ही लाइट पड़ रही है। ओ मैन, रिवर क्रॉसिंग का बाप आ गया है। अरे भाई ये कैसे क्रॉस करेंगे यार, तो रोड ही नहीं है। ये देख रहे हो ये रख रखे हैं, कैसे निकलेगी भाई भाई इसमें गाड़ी। पकड़ एक बार इसको पकड़ते मंजिल मिल ही जाएगी। गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं। जी हाँ, हमें अपनी मंजिल मिल ही गई है और ये रही हमारी मंजिल, ये है कोम्बो रंजन माउंटेन। भाई साहब कितना बड़ा माउंटेन है। और फाइनली हम अपनी कैंपिंग लोकेशन पे पहुंच गए हैं और ये है हमारी कैंपिंग लोकेशन। यहाँ पे और लोग भी कैंप पिच कर रहे हैं, वहाँ पे कैंप लगे भी हुए हैं, लोग ड्रोन उड़ा रहे हैं अपना। और ये रिवर साथ से बह रही है, ये जंस्कार रिवर है और इसी के पास हम यहीं पे अपना कैंप लगाएंगे और इस व्यू को एंजॉय करेंगे। यार ये व्यू देखो, ब्रेथ टेकिंग है यार, बिल्कुल ब्रेथ टेकिंग। प्रभु के चरणों में पहुंच गए हैं। यहाँ के लोग बहुत ही रिलीजियस समझते हैं इस माउंटेन को, बहुत ही रिलीजियस समझते हैं, कुछ इनकी धारणाएँ हैं। तो यहीं पे अब हम कैंपिंग करने वाले हैं।
बहुत अच्छी जगह है ये, और बंदे भी हमारे साथ कैंप पिच कर रहे हैं, हमारा भी कैंप यहीं लगेगा, तो मैं गाड़ी यहाँ पे लगाऊंगा और कैंप उसके सामने लगाऊंगा। सो आई होप ये ब्लॉग आपको अच्छा लगा हो। ब्लॉग ख़त्म करते हैं क्योंकि बहुत बड़ा हो जाएगा नहीं तो ब्लॉग। सो अपने अगले एपिसोड में आपको दिखाता हूँ हमारी कैंपिंग और कैंपिंग वाली कैसे गई। सो जी हाँ, इस टाइम हम गोंगो रोंजन जो माउंटेन है, इन लेमन लैंग्वेज में अगर बात करूँ तो उसको प्रभु कहते हैं, शिवाजी कहते हैं यहाँ के लोकल लोग, क्योंकि रिलीजियस सेंटिमेंट जुड़े हुए हैं, उसके एकदम सामने उस एवरेस्ट नहीं, उस माउंटेन के सामने बैठे हुए हैं और कैंपिंग नहीं कर पाए। बट कहते हैं ना, जो होता है अच्छा होता है, बट कैंपिंग तो नहीं कर पाए, बट हमने बहुत अच्छे फ्रेंड्स बना लिए हैं यहाँ पे, फेलो ट्रेवलर्स बना लिए हैं, और अब हम उन्हीं के साथ इस टेंट में बैठे हुए हैं और पूरा माहौल बन रहा है। ये हमारे अनिल भाई, ये हमारे प्रतीक भाई, ये है प्रदीप भाई, ये हैं केडी भाई, और मुझे तो आप जानते ही हो, और ये हैं हमारे वैभव भाई। सो पूरा माहौल बन रहा है, पूरा गरम कर रखा है हमने टेंट, और यहाँ से सुबह के और निकलेंगे, बट पहले रात को एंजॉय करेंगे। सो टू द न्यू फ्रेंडशिप एंड टू गुड टाइम्स, चीयर्स।